नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, आप भी जान रहे हैं कि कल नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, ये कितना सही है और कितना गलत है, आप भी जानने की सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल पूछना बिल्कुल सही है। नियुक्ति पत्र बांटा जाना तब सही होता जब फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई बहाल नहीं होता और सभी को नियुक्ति पत्र बांटा जाता, लेकिन ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो ये तो अपने आप में संदेह उत्पन्न कर रहा है कि जितने लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, औपबंधिक नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी देंगे, क्या वो सभी के सभी सही डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए हैं, क्या उनमें कोई फर्जी नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री जी को भी संदेह हो गया कि जिनको हम नियुक्ति पत्र देंगे कहीं वो बाद में फर्जी ना निकल जाए, तो इसलिए अब औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये कौन सा नौटंकी चल रहा है भाई? आप यही चीज, कौन सा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? औपबंधिक नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल, मतलब ये ओरिजिनल नियुक्ति पत्र नहीं होगा, यानी कि इसके बाद भी लोग बाहर हो सकते हैं। तो ये कैसा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा अगर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और उसमें भी संदेह है, खुद मुख्यमंत्री को ही संदेह है, तो इसलिए वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट रहे, तो ये तो बड़े दुख की बात है। पहले कंफर्म हो जाना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि जो नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं वो लोग सही से बहाल हुए हैं या नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। मतलब साफ होता है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी जितने भी शिक्षक हैं वो श्योर ना हो कि वो विद्यालय में पढ़ाएंगे ही। बिल्कुल, ये तो, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट अभी भी नहीं है। हो सकता है बाद में कोई जांच ना करे और सभी फर्जी लोगों को भी बहाल कर दे, स्कूल में जो योगदान करवा दे, ये तो सरकार ही जाने सरकार क्या करने वाली है। लेकिन फर्जी लोगों का मतलब आप कह रहे हैं कि गांधी मैदान में जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें फर्जी भी हो सकते हैं? हो सकते हैं फर्जी भी हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हुआ है नहीं अच्छा से, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे रिवाइज रिजल्ट भी नहीं आया है। तो बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के साथ तो सरकार छल कर रही है, अन्याय कर रही है। यही 10 दिन के बाद आप नियुक्ति पत्र बांटते, 20 दिन के बाद नियुक्ति पत्र बांटते, कोई दिक्कत नहीं था। इतनी हड़बड़ी क्यों सरकार को है भाई? इतनी हड़बड़ी क्यों है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है? पहले आप कंफर्म हो, शिक्षक अभ्यर्थी तो हड़बड़ाए नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी कोई हड़बड़ाहट नहीं में नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी तो खुद चाहते हैं कि भाई अच्छे से आप पहले जांच परख लीजिए, उसके बाद ही आप नियुक्ति पत्र दीजिए, ताकि बाद में कोई जो विवाद ना हो, किसी को बाहर करने की नौबत ना आए। तो शिक्षक अभ्यर्थी खुद इस वापो की स्थिति से बाहर आना चाहते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी तो खुद परेशान है कि इतिहास में एक मोहम्मद बिन तुगलक का उदाहरण देखते हैं हम लोग कि कोई भी काम में वो हड़बड़ी करते थे, उसी तरह बिहार सरकार अभी कर रही है, हर काम में ये हड़बड़ी कर रही है। तो इस तरह से कहीं बहाली होती है तो हड़बड़ी में लोग लटक तो नहीं जाएंगे? अब क्या होगा देखिए, ये तो आगे देखने वाली बात है, सरकार की मंशा क्या है ये तो सरकार ही जाने। लेकिन अभी तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट पर या जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उन लोगों की बहाली नहीं होनी चाहिए, स्कूल में योगदान नहीं होना चाहिए उन लोगों का, उन लोगों को बाहर किया जाए और जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहिए या सेकेंड लिस्ट कहिए वो दिया जाए, रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो बिहार के युवा है, बिहार के अभ्यर्थी, उनको न्याय मिल सके। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि बिहार के युवाओं को ज्यादा नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसमें हजारों सीट पे नियोजित शिक्षक आए हैं, यानी कि जो पहले से जॉब में है वही जॉब में आएंगे, फिर बिहार से बाहर के अधिकतर लोग, खासकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, MP, झारखंड के लोग आए हैं, राजस्थान के भी कुछ आए हैं। तो पता नहीं क्या चाहती है सरकार कि बिहार, कहा गया था कि 10 लाख नौकरी बिहार के युवाओं को देंगे, लेकिन ये पता नहीं किस तरह का ये कर रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है कि बिहार से बाहर के लोगों को ज्यादा फायदा हो जा रहा है। अब हो सकता है नीतीश कुमार जी को सीट को लेकर बवाल था, आपको भी मालूम है सीट को लेकर बवाल था दिलीप जी, आपको भी मालूम है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि कितना सीट भरा, कितना बाकी है, कल कितनों को मिलेगा, कुछ किसी को कुछ ये नहीं तो पता। बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को ये जारी करना चाहिए ना कि कितना जो है सीट खाली रहा। अभी कहीं से खबर आ रही है कि 10,000 के आसपास, आप पता नहीं कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर आ रही है कि 10,000 के लगभग अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुए, मतलब उनके पास या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा या उनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स होगा। तो हो सकता है जो भी हो, मतलब परीक्षा में पास कर गए लेकिन शामिल ही ना, काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, ये खबर आ रही है। अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, तो सरकार को चाहिए कि डाटा जारी करे, आंकड़ा जारी करे कि कितने सीटों पे उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है, कितने काउंसलिंग में शामिल हुए, किस कैटेगरी में,
किस वर्ग में किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीट खाली रहा, ये आंकड़ा सरकार को जारी करना चाहिए। इसमें कितने लोग बिहार के हैं, कितने लोग बिहार से बाहर के हैं, और 1-5 का जारी करे, फिर उसके बाद 9-10 का जारी करे कि कितने लोग बिहार के हैं, कितने बिहार से बाहर के हैं। उसी तरह 11-12 में और 9-10 में सब्जेक्ट वाइज जारी करे, कैटेगरी वाइज जारी करे, सब हर तरह का ये लिस्ट जारी होना चाहिए, ताकि पता चले कि ये सही बात है कि बिहार से बाहर के लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे। ये जो सरकार के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी में ही ना बिहार के बाहर के लोग आएंगे, बिहार से बाहर के लोग, ये सबको पता है कि बिहार से बाहर के लोग जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, लेकिन उसका नुकसान बिहार के अभ्यर्थियों को, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी हो या SC ST हो, सबको उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर बिहार से बाहर के लोग ज्यादा संख्या में जनरल कैटेगरी में नहीं आते, तो उन सीटों पर बिहार के अभ्यर्थी ही, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी हो या SC ST हो, अगर वो जनरल इतना मार्क्स लाते तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होता, फिर उनके कैटेगरी में यानी SC ST या ओबीसी कैटेगरी में उसी कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिलता, तो कुल मिलाकर बिहार के अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता, इसमें नौकरी मिलता। और महिला आरक्षण जो कल लाखों लोगों का सपना टूटने वाला है, आपको भी मालूम होगा, क्योंकि बाउंड्री लाइन पे कोई थे तो कोई कट ऑफ से ज्यादा लाए हुए थे, सब इंतजार कर रहे थे कि रिवाइज रिजल्ट निकलेगा, और हमें भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री, जितने भी लोग हैं उनसे नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन सपना बिल्कुल अभी तक सरकार ने छलने का काम किया है, विश्वासघात किया है। तो अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि बिहारी अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। और ये जो महिला आरक्षण के नाम पर बिहारी अभ्यर्थियों को, जी बिहार के लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। और महिला आरक्षण के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है सरकार के द्वारा, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। सरकार खेल रही है महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को, तो नियुक्ति पत्र तो बांटा जा रहा है, तो फिर सरकार खेल कैसे खेल? 35% महिला आरक्षण दिया जा रहा है बिहार के सरकारी नौकरियों में, और उस 35% महिला आरक्षण में जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। और जो 1-5 है 50% महिला आरक्षण, उसमें जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो बिहार एकलौता राज्य है जहां बिहार से बाहर की महिलाओं को भी यानी कि बिहार से बाहर के लोगों को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। ये कैसी, किस तरह की मतलब पॉलिसी अपनाई जा रही है नीतीश कुमार जी के द्वारा और तेजस्वी यादव जी के द्वारा कि बिहार के युवाओं को नौकरी न मिले, बिहार की बेटियों को नौकरी न मिले, बिहार से बाहर की बेटियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और इसका नुकसान बिहार के जनरल कैटेगरी की महिलाओं के साथ साथ SC ST OBC महिलाओं को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं बार बार ये चीज कर रहा हूँ, आरक्षण किसी भी राज्य में वहाँ के मूल निवासी अस्थायी निवासियों को ही मिलता है, फिर महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में क्यों दिया जा रहा है? सरकार इस फैसले को वापस ले, इसमें कौन सी संवैधानिक बाध्यता है बताइए? कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। तो इसलिए आप जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, ये इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आधे मन से स्वागत करते हैं। पूरे मन से स्वागत तब करते हैं तब जब आप बिहार के युवाओं के साथ न्याय करते, सीटें खाली नहीं रहती, आप भर्ती प्रक्रिया सही से करते, अभ्यर्थियों तो सीट खाली है ना आपके हिसाब से? सीट खाली है ना? बिल्कुल, हजारों सीटें खाली हैं, और सरकार द्वितीय लिस्ट नहीं निकाल रही है। हम मांग कर रहे हैं कि द्वितीय लिस्ट निकाला जाए और खाली सीटों पे युवाओं को नौकरी मिले। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जो TRE 2 आया है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट देना चाहिए। हजारों अभ्यर्थी हैं जो योग्यता रखते हुए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी छूट देनी चाहिए। बिल्कुल, कल बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, STET 2023 वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे। STET में भी मार्कशीट अपलोड किया गया और फिर हटा दिया गया STET 2023 का। अब 3 तारीख से फॉर्म भरना है TRE 2 का, तो अभ्यर्थियों के पास मार्कशीट होना चाहिए, लेकिन BSEB ने क्या किया, मार्कशीट उनका हटा दिया, वेबसाइट से मार्कशीट ही हटा दिया, यानी कि जब जरूरत पड़ी है तो मार्कशीट हटा दिया गया। तो यानी कि ऐसा लगता है कि STET 2023 जो है ये कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आयोजित करवाई गई थी। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि STET 2023 का मार्कशीट अपलोड किया जाए, ताकि जो हजारों अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं, अपलोड नहीं किए हैं, उनको मौका मिले, उनका मार्कशीट जारी किया जाए, ताकि TRE 2 में फॉर्म भर सके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। हम ये भी नहीं कर रहे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता होना चाहिए, नहीं,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। बहाली 1.0 में छात्र नेता दिलीप रोड पर उतरे, छात्र नेता दिलीप लाठी खाए, बवाल हुआ बहाली 1.0 में। क्या टीआरई 2.0 में भी यही सब झेलना होगा आपको, यही सब झेलना होगा शिक्षक अभ्यर्थियों को? क्या देखिए, हम तो चाहते हैं कि ऐसा टीआरई 2 में नहीं झेलना पड़े, और जो भी समस्या आई टीआरई 1 में आई उन सारी समस्याओं का समाधान टीआरई 2 में पहले ही कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। लेकिन टीआरई 1 में भी अभी हम लोगों को लड़ना है, अभी हम लोग शांत नहीं हुए, अभी जब तक युवाओं को बिहार के अभी लड़ना बाकी है, बिल्कुल अभी लड़ाई बाकी है। जब तक बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी सेकंड लिस्ट जारी करवाना है, और जितने फर्जी बहाली हुई है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हुई है, उन सब को बाहर करवा कर ही हम लोग दम लेंगे, और जब तक फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल। अच्छा, एक सवाल है आपसे, अगर आपको मालूम चलता है कि नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जिसको दिए हैं वो फर्जी है, तो क्या करिएगा? क्योंकि आपने ही कहा कि उसमें से कुछ फर्जी भी निकल। देखिए, अगर ऐसी बातें सामने आती है तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनको वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उनमें से अगर एक भी फर्जी निकल गया, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस्तीफा बिल्कुल दे देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उसमें फर्जी निकल जाए लोग, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को पद पे बने रहने का क्या उचित रह गया? नैतिकता नहीं रह जाएगा। कितने चांसेस हैं दिलीप जी, कितने चांसेस हैं कि उसमें फर्जी जरूर हैं? 1% हो, 10% हो, 20% हो, आपको क्या लगता है? या 0%? देखिए, फर्जी कितने हो सकते हैं उसमें? हमको तो 100% लगता है कि उसमें कुछ लोग फर्जी निकलेंगे। 100% है कि कुछ ना कुछ फर्जी निकलेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 25,000 में 25,000 फर्जी होंगे, लेकिन उसमें फर्जी निकलेंगे। अब 100 लोग फर्जी निकले या 1,000 निकले या 10,000 निकले, ये तो जांच का विषय है, इसमें एग्जैक्ट डाटा तो हम नहीं बता सकते हैं। तो आप तो सीधे सीधे यही कह दिए कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट लीजिए, अगर फर्जी निकले और वो नौकरी करते हैं तो आप दोनों इस्तीफा दीजिए, अगर फर्जी निकलते हैं तो उनको बाहर करिए। ये दो चीज तो आपने कह दिया। इस्तीफा दे देना चाहिए उनको नैतिकता के आधार पे, या तो फर्जी वो नियुक्ति पत्र नहीं बांटते, पहले कन्फर्म हो ले कि एक भी उसमें फर्जी आदमी नहीं होना चाहिए, तब नियुक्ति पत्र बांटे। और जिन जिलों का वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसमें से अगर एक भी व्यक्ति फर्जी निकल गया तो ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की कि वो इस्तीफा दे दे उस समय, जब ये पता चलेगा कि एक भी उसमें फर्जी निकल गया तो। ये नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सब लोग कह रहे हैं कि बहाली की बारिश है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बहाली की बारिश ला रहे हैं, बहुत सही चल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग इतने भी हैं, कल बहुत सारे लोग हमें मिले थे, उनका कहना है कि एक बहाली कंप्लीट नहीं हुई, एक बहाली में धांधली हो गई, तो ये बहाली की बारिश कैसे? ये बहाली की बारिश नहीं है, ये सबको पता चल रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, चुनावी फंड इकट्ठा किया जा रहा है, चुनावी वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये इस तरह से बहाली नहीं होती है, और कोई एहसान नहीं सरकार कर रही है बिहार के युवाओं पर, कोई एहसान नहीं कर रही है। 3.5 लाख पद खाली है, कल बांट रही है तो एहसान नहीं, 3.5 लाख कल बांट रही है तो एहसान, कोई एहसान नहीं है। 3.5 लाख सरकारी शिक्षकों के पद खाली है बिहार में, 3.5 लाख, तो एहसान क्या कर रही है सरकार हम पे? ये बहाली तो 2019 में आनी चाहिए थी, जो वैकेंसी अभी निकली है वो 2019 में निकलनी चाहिए थी, तो एहसान क्या कर रही है सरकार? सरकार किस लिए? झुंझुना बजाने के लिए होता है क्या? काफी गरम लग रहे हैं छात्र नेता दिलीप, नहीं काफी गरम, ये लोग नौटंकी न कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, एहसान नहीं कोई किया जा रहा है। सरकार जो बनती है तो सरकार किस लिए बनती है? झुंझुना बजाने के लिए? सरकारी पद खाली है उस पर बाहरी निकालने के लिए सरकार का दायित्व है, परम कर्तव्य है सरकार का, यह दायित्व है कि सरकारी पद खाली है उस पर आप वैकेंसी निकालिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायित्व है सरकार का, क्यों नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएगी भाई? शिक्षा का अधिकार कानून दिया है बिहार देश के युवाओं को, देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, तो उस कानून के तहत भी शिक्षा देना चाहिए, उसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति करना है, ये तो संवैधानिक अधिकार है। ये कोई ऐसा थोड़े कि कोई भी अगर वैकेंसी निकाल रही है तो एहसान करे, हाँ हम धन्यवाद देते हैं आप वैकेंसी निकाल रहे इसके लिए तो हम धन्यवाद दे ही रहे सरकार को, लेकिन उस बहाली में अगर धांधली होगी, गड़बड़ी होगी, त्रुटियां होगी, तो उसका विरोध भी हम लोग करेंगे। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, कल मिलने वाला है, और जो ईमानदारी से, जो अपने मेरिट से ईमानदारी से सफल हुए हैं, ये शिक्षक बने हैं, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, और उन सभी शिक्षकों से हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि बिहार की बर्बाद हो चुकी, ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में आप हर संभव प्रयास कीजिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं
सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने इतने बड़े पैमाने पे वैकेंसी निकाली, साथ में ये मांग भी कर रहे हैं कि जितने फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं उन सबको बाहर किया जाए और जितना सीट बचता है उसके लिए सेकेंड लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और इसके अलावे बीटेट और एसटीईटी सरकार को करवानी चाहिए, बीटेट और एसटीईटी पहले करवा लेनी चाहिए। क्यों नहीं करवाया गया बीटेट? मैथिली सब्जेक्ट का सीटेट में नहीं होता है, सीटेट में मैथिली सब्जेक्ट शामिल नहीं है, तो फिर मैथिली वाले कैसे फॉर्म भरेंगे? तो उसके लिए सरकार को बीटेट करवाना चाहिए, एसटीईटी करवाना चाहिए। आज भी अगर आप ध्यान दें तो आज भी एक हंगामा हुआ था दिलीप जी, आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी आयोग के बाहर इंजीनियर पहुंच गए थे रिजल्ट मांगने के लिए कि 5 साल से तड़प रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिला। अतुल प्रसाद जवाब, यही तो बिहार सरकार असिस्टेंट इंजीनियर, बिहार सरकार के लिए कितने शर्म की बात है कि 5 साल से एक बहाली पूरा नहीं हुआ बीपीएससी के द्वारा। डबल एओ का 1 साल से ऊपर हो गया मेंस लिया हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका। लेकिन शिक्षक भर्ती 4 महीना भी नहीं हुआ और इतनी हड़बड़ी दिखा दिए और दूसरा वैकेंसी भी निकाल दिए। तो सबको पता है ना, सबको पता है कि राजनीति की जा रही है। तो टीआरई 2.0 लोगों को देना चाहिए या लोग ना दें? क्योंकि अभी भी लोग माथा पीट रहे हैं कि हमारा मार्क्स तो ज्यादा है भैया, हम करें तो करें क्या? टीआरई 2.0 दें या लड़ाई? अभ्यर्थियों से हम यही अपील करेंगे कि आप टीआरई 2 का फॉर्म भरिए, उसकी भी तैयारी कीजिए, बाकी टीआरई 1 में जो सीट खाली है उस सीट पे काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने के लिए हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन टीआरई 2 का फॉर्म भी आप लोग भरिए और उसकी भी तैयारी आप लोग जी जान से कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा है, एक महीना का समय है। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाइए और कोशिश कीजिए कि तैयारी आप बेसिक बुक से करें, अच्छे से करें, इधर उधर के बहकावे में ना जाए। क्योंकि टीआरई 2 में देखिए बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बनाया, बिहार के युवाओं को गुमराह किया, तो इसलिए आप टीआरई 2 में उन सब चीजों से सबक लेते हुए बेसिक बुक का अध्ययन करें, किसी के बहकावे में मत जाए, बाकी टीआरई 1। चलिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद छात्र नेता दिलीप जी आपका जुड़ने के लिए। और देख लीजिए जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, छात्र नेता दिलीप ने सीधे कह दिया है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव फर्जियों को अगर बांटते हैं नियुक्ति पत्र तो उन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर फर्जी घुस रहे हैं तो उनको बाहर करें तुरंत, उसी समय नियुक्ति पत्र जब दे रहे हैं उसी वक्त बाहर करें। यही कहना था छात्र नेता दिलीप को लेकर बोले। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, उर्दू सहित कुछ सब्जेक्ट के सीट खाली है, प्राइमरी में उर्दू वालों का सीट खाली है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। सीट खाली होते हुए भी उर्दू से वो है लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं है और सीटें खाली है। दिव्यांग भाई बहनों का, फ्रीडम फाइटर का, इन सब को देखना चाहिए कि रिजल्ट नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया है, उसमें सुधार हो और इन सबों के लिए जो की सीट खाली है तो रिजल्ट जारी किया जाए, सबको जो योग्यता रखते हैं। आपने तो कह दिया कि झुंझुना है, बिल्कुल आपने कह दिया कि झुंझुना बिल्कुल है। अगर सरकार जल्द इन सब पे फैसला नहीं लेती है तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। चलिए आंदोलन की तैयारी करेंगे, दिलीप ने कह दिया। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़े थे, बीपीएससी को लेकर हर चीज बताए हैं, नियुक्ति पत्र को लेकर कितना विवाद हुआ है और होते आया है, और आज छात्र नेता दिलीप ने सब चीज बोल दी। तो बस लाइसेंस के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।